सब्सक्राइब करें टेक्निकल हनुमान चैनल को, बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हो टेक्निकल हनुमान, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा गूगल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको पूरे वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आपको समझाऊंगा किस तरह आप इसमें उसको वेरीफाई करोगे अपने मोबाइल नंबर को, और किस प्रकार आप अपने गूगल अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इसमें क्या होगा कि टू स्टेप वेरिफिकेशन में आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो बहुत प्रोटेक्ट होगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, ओटीपी के थ्रू। यानी आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के थ्रू अपने मोबाइल में लॉगिन, जो इसका ईमेल आईडी है उसमें आप लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों अगर किसी अदर पर्सन को आपकी मेल आईडी और पासवर्ड अगर मिल भी जाए तो वो अपने इस गूगल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत बताऊंगा दोस्तों, तो किस प्रकार इस प्रोसेस को आप कर सकते हो और इससे अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नई नई वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव करने के लिए, यानी उसको स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरे अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी, यानी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसके प्रोसेस में मैं आगे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं गूगल अकाउंट को मैंने यहाँ पे सर्च इंजन में डाल दिया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा गूगल अकाउंट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ गूगल अकाउंट जिस पर मुझे टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जीमेल अकाउंट, तो मैंने ये जीमेल अकाउंट को यहाँ पे टाइप कर दिया दोस्तों। और अब मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा, इंटर मारने के बाद आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये पंकज लोहट 7890@gmail.com, यहाँ पे मैंने इंटर कर लिया। और आपको पासवर्ड के लिए पूछना है, पासवर्ड मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो पासवर्ड मैंने इंटर करके आपको यहाँ पे इंटर मारना है, तो इंटर मारने के बाद आपका ये जीमेल अकाउंट, जो आपका अकाउंट डिटेल है, ये पूरी ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करना है। तो कैसे एक्टिव करोगे देख सकते हो आप, यहाँ पे होम, पर्सनल इन्फो, डेटा पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, पीपल शेयरिंग, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, तो देख सकते हो यहाँ सिक्योरिटी जो ऑप्शन है आप देख रहे हो दोस्तों, तो इस सिक्योरिटी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाइएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है इसको मैं क्लिक करूँगा, अभी ये ऑफ है, इसको ऑन करना है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको दिख रहा है इसमें, प्रोटेक्ट योर अकाउंट विथ टू स्टेप वेरिफिकेशन, यानी आपके अकाउंट को ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी इसकी सुरक्षा प्रदान करेगा इस टू स्टेप वेरिफिकेशन की सहायता से। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको इसका जो जीमेल अकाउंट आपने जो गूगल अकाउंट टाइप किया है उसका पासवर्ड मांगेगा, तो वेरीफाई करने के लिए ये पासवर्ड मांगेगा। तो मैं यहाँ पे वापस पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कुछ पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हो तो मोबाइल नंबर, सबसे पहले आपको ये मोबाइल नंबर पूछेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो भी मोबाइल आपके पास है, मोबाइल चालू होना चाहिए, उस पर मैसेज सिस्टम ऑन होना चाहिए, तो ही ये वर्क करेगा। क्योंकि इस यहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर टाइप करोगे तो उसका ओटीपी आपके इस मोबाइल नंबर पे आएगा, तो जिससे ये वेरीफाई होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मोबाइल नंबर, तो ये मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। आप देख सकते हो जो भी कंट्री कोड है उस कंट्री कोड के हिसाब से आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है।
टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे हाउ डू डू वॉन्ट टू गेट कोड्स, यानी आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इस कोड को रिसीव करना चाहते हो या फिर फ़ोन कॉल से, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज पे ओके करूँगा। तो नेक्स्ट क्लिक करता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। तो आपको यहाँ पे इंटर द कोड, यहाँ पे यानी आपके ऊपर मैसेज आएगा, उस कोड आएगा। देखिए यहाँ पे कोड आ चुका है, ये कोड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा दोस्तों। इंटर द कोड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 804546, 804546, 4546। तो ये मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इट्स वर्क टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, यानी ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है ये काम कर रहा है। तो इसको टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन, तो यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये टर्न ऑन हो चुका है और इस नंबर पे आपको वेरीफाई हो चुका है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू वेरीफाई हो चुका है। अभी ये टर्न ऑन है इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा है सिंस 7 अप्रैल 2020, यानी आज से ये आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव हो चुका है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल में, मोबाइल के थ्रू अपने जो गूगल अकाउंट है उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ से एक्टिव कर सकते हो, जिससे कि आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी और उसको हैक करना थोड़ा मुमकिन नहीं होगा, यानी नामुमकिन तो नहीं कह सकते लेकिन मुमकिन नहीं होगा। हर कोई इसको हैक नहीं कर सकता है। अगर किसी के पास आपका मेल आईडी और पासवर्ड आप अगर किसी को मिल जाए तो वो इस प्रकार लॉगिन नहीं कर सकता है, यानी अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इसको मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी चेक करूँगा क्या ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए मैं दोस्तों वापस इसको साइन आउट करता हूँ, साइन आउट करता हूँ यहाँ से, यहाँ से साइन आउट कर दिया मैंने। और यहाँ से आप देख सकते हो ये अकाउंट, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, रिमूव अकाउंट करने के बाद मैं वापस यहाँ पर टाइप करूँगा ये अकाउंट की डिटेल। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट की डिटेल टाइप कर चुका हूँ, यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ, पासवर्ड टाइप करने के बाद मुझे इस मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर कर चुका वहाँ पे मुझे ओटीपी आएगा दोस्तों। ओटीपी अभी आ जाएगा, कुछ सेकंड्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ओटीपी यहाँ पे आ चुका है और इस ओटीपी को मैं यहाँ पे इंटर कोड लिखा यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इसको, और टाइप करने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 16 2 3 7 8, ये मैंने टाइप कर दिया। और टाइप करने के बाद यहाँ जो नेक्स्ट बटन है अहेड, इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। और इस तरह आप अपने टू स्टेप एक्टिव वेरिफिकेशन को आप एक्टिव कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ से ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं इसको साइन आउट करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से मैं इसको साइन आउट करता हूँ। आप देख सकते हो साइन आउट, रिमूव अकाउंट, रिमूव। तो यहाँ से मैंने इसको साइन आउट करना बहुत ज़रूरी दोस्तों। क्रोम अकाउंट, क्रोम ब्राउज़र पे आपको साइन आउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका डेटा लीक ना हो और आपका जीमेल आईडी हैक ना हो। तो इस प्रकार आप अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिव कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको वीडियो के नए अपडेट्स मिलेंगे। और साथ में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।